चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू वेव्स बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय टू सोर्सेज एस वन एंड एस टू, बोथ सोर्सेज हैव जीरो फेज डिफरेंस एंड वेव लेंथ लैम्डा, द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ बोथ द वेव्स विल अकर ऑफ पॉइंट पी इफ एस वन माइनस एस टू एस वन पी माइनस एस टू पी हैज द वैल्यू। देखो सबसे पहले स्क्रीन आप बनाओगे, ये स्क्रीन हो गई, दो सोर्सेज क्योंकि एस वन पी माइनस एस टू पी लिखा जा रहा है, इट मीन्स S1 से जो सोर्स से जो वेव चली है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किए, तो S1 को नीचे कर दो और S2 को ऊपर कर दो, और ये पॉइंट है स्क्रीन पे P पॉइंट है जहां पर दोनों इंटरफियर कर रही हैं, दोनों वेव्स, दोनों का वेवलेंथ लैम्डा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है, ठीक है, वेवलेंथ लैम्डा, इट मींस कोहेरेंट सोर्सेज हैं S1 और S2। तो यहां पर डिस्ट्रक्टिव अगर बन रहा है, क्वेश्चन कह रहा ना द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोथ द वेव विल अकर एट पॉइंट ऑफ द पॉइंट पी, यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव बनना, यानी फेज डिफरेंस कितने का होगा, पाई का हो सकता है, तो जो फेज डिफरेंस का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, वो होता है 2n माइनस 1 इनटू पाई होता है, और हम लोग जानते हैं इसको डेल्टा फाई भी लिख सकते हो, डेल्टा फाई, तो पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला जो होता है, पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा बाई 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस। तो अगर फेज डिफरेंस अगर आपको पता है, उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है, तो फेज डिफरेंस से आप पार्ट डिफरेंस निकाल सकते हो, तो ये फेज डिफरेंस की वैल्यू अगर यहां पुट कर दी जाए तो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा बाई 2 पाई ब्रैकेट में 2n माइनस 1 इंटू पाई, पाई से पाई कटेगा, यानी 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, ये होगा पार्ट डिफरेंस, ये पार्ट डिफरेंस हो गया। अब ये पार्ट डिफरेंस अगर, और उसमें एन की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से 1 2 3, तो अगर ये वैल्यू रखी जाए तो जो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू आएगी कितनी, वन रखोगे n की वैल्यू तो क्या आएगा, लैम्डा बाई 2, टू रखोगे 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 इस तरह आएगा, 9 लैम्डा बाई 2, 11 लैम्डा बाई 2 इस तरह, 13 लैम्डा बाई 2, यही सीक्वेंस होगा ना, ठीक है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का ये सीक्वेंस होगा। तो इस सीक्वेंस से कौन मैच कर रहा है, आंसर है डी वाला, 11 लैम्डा बाई 2, इस सीक्वेंस में ये आ रहा है ना, 11 लैम्डा बाई 2 ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो ये जो 11 लैम्डा बाई 2 होगा, ये पार्ट डिफरेंस पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पी पॉइंट पे बनेगा, यानी फेज डिफरेंस आप कन्वर्ट करके चेक कर सकते हो कि फेज डिफरेंस कितना होगा, लेकिन पार्ट डिफरेंस होगा 11 लैम्डा बाई 2, ठीक है, ये वाला डी वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।